अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आज बात करते हैं हम डुओ को रैंक पुश करने की। आपको पता है कि सीज़न में रह गए 2 दिन। 19 तारीख को हमारा सीज़न आएगा। हर कोई चाहता है कि मेरे ही पिक के ऊपर कॉन्करर फ्रेम लगे, यानी कि मुझे भी टाइटल मिले। कोई कहता है कि कॉन्करर 7 दिन में होता है, कोई कहता है कि अगर 7 दिन में नहीं हुआ तो नहीं होता है, कोई के क्या कहता है, कोई क्या कहता है। आज मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा कि कॉन्करर कैसे होता है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखें, नंबर वन टिप, आप नंबर वन टिप ये कि आप लीग खेल रहे हो, अगर आप लीग खेल रहे हो तो लीग के अंदर इन 2-3 दिनों में होता है, क्योंकि यहाँ पर तो उसे आपको 2 फायदे होते हैं। नंबर एक, टीम अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। नंबर टू, आपको यहाँ पर बॉट्स मिल जाते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 बॉट्स मिल जाते काफ़ी, 1-2 बॉट्स मिल ही जाते हैं। उसके बाद आप यहीं पर कैंप कर लें थोड़ी देर के लिए। देखो, माइनस तो हर किसी को लगते रहते हैं, माइनस का कोई टेंशन नहीं लेना। अगर माइनस लगे तो ऐसे समझ लेते ही नहीं है, ठीक है ना। और कैंकर करने के लिए ज़्यादा नहीं, दिन में 3 घंटे भी खेले तो काफ़ी है 3 घंटे में। और कॉन्कर तुम सीज़न के लास्ट दिन तक भी कर सकते हो, यानी कि अब तुम्हारी रैंक तुम्हारा एस हो गया ना, अगर एस हो गया तुम्हारा तो एस हो गया तो तुम्हारा तुम अपना नाम रैंकिंग में लाओगे। हम देख जाके तुम्हें रैंकिंग में दिखाऊंगा अपना नाम, ठीक है। बटन ऑल पे दबाने ताकि आने वाली हर पहली वीडियो नोटिफिकेशन ऑन रखना, मेरे आ जाएगी सारी वीडियो ताकि पहले आप तक पहुँचे। चलो तो आज मैं तुम्हें अपना रैंकिंग में नाप दिखा दे। देखो ये मेरा नाम तकरीबन 139 बंदों में था, ठीक है ना, डुओ के अंदर। अभी मैंने सर्वर चेंज कर दिया है, मिडिल ईस्ट था पहले मेरा, अभी मैंने एशिया लगा लिए, देख लो आपके सामने, ठीक है ना। और कॉन्करर देखा था तो 3 सीज़न लगातार मारे कॉन्करर। वेट करो, ये देखो 1 सीज़न हो गया, देन दूसरा सीज़न हो गया, ये देखो ये 1 सीज़न मारा सोलो के अंदर, और ये सेकंड सीज़न में C3 मारा, ठीक है ना। अब मैंने मारा C7, ये तीसरा कॉन्करर है, अब मुझे ये मिलेगा। ओके ब्रो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।